सीट यानी कल्याण सिंह का गढ़, जनता क्या सोच रही है एटा लोकसभा सीट पर, वो आपको जनता का मूड में दिखाएंगे। क्योंकि अगर हम एटा लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है। ऐसे में जनता के मिजाज में क्या है, दिल में क्या है, वो आपको एटा लोकसभा सीट से दिखाएंगे। और इस वक्त हम लोग कासगंज में मौजूद है, कासगंज विधानसभा पड़ता है, तो ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं वो आपको बातचीत करके दिखाएंगे सीधे तौर पर। सबसे पहले बातचीत करेंगे, क्या नाम है आपका भैया? विशाल वाशनी। विशाल जी बताइए, क्या मूड है यहाँ पर चुनाव को लेकर? सही है, बीजेपी है, बीजेपी केंद्र में मोदी जी आ रहे हैं। क्या काम मोदी जी ने किया? सब कुछ किया है, आराम से बैठे हुए हैं, हम क्या कहते हैं, आराम से पेपर कर रहे हैं, कोई वो नहीं है गुंडागर्दी, कोई वो नहीं है, सब आराम से रह रहे हैं। पहले की सरकार में गुंडागर्दी? पहले ही सरकार में गुंडागर्दी थी, माल ले आते थे देते नहीं थे पैसे। कितने सालों से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं? यहाँ पे मतलब हम पांचवी पीढ़ी है, यानी 100 साल हो गए दुकान में। मुद्दे क्या क्या हैं अगर हम एटा की बात करते हैं? पहले कासगंज एटा में हुआ करता था, अब अलग जिला बन गया है, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? विकास हो रहा है बढ़िया तरीके से, लोग भाग रह रहे हैं और कोई टेंशन नहीं रहती किसी को। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा जी की तो सरकार बढ़िया ही है। क्या अच्छा लगता है बाबा जी? बाबा जी का सब काम अच्छा लगता है हमें। देखिए और भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कई दुकानें हैं, बातचीत करेंगे, क्योंकि जानना जरूरी होता है कि जनता क्या सोचती है। वोटिंग का वक्त है, चुनाव का माहौल है। क्या नाम है आपका? हृदेश कुमार। क्या? हृदेश। बताइए क्या माहौल है चुनाव को लेकर, क्योंकि दुकानदारी चल रही है, कई लोग आते होंगे, चुनाव को लेकर चर्चा होती होगी, क्या माहौल है इस बार? इंडिया गठबंधन फाइट करेगा इस बार। इंडिया गठबंधन रहेगी सरकार में इस बार। क्या अच्छा लग रहा है इंडिया गठबंधन? घोषणा पत्र बढ़िया है इनके, बीजेपी से तो बहुत बेहतर ही है। बीजेपी का घोषणा पत्र और इनके घोषणा पत्र में बहुत अंतर है, और उन्होंने जो गारंटी दी है इंडिया गठबंधन ने, वो बीजेपी से बेहतर ही है। राहुल अखिलेश की जोड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, इस बार अच्छा करेगी, इस बार 2024 में अच्छा करेगी, ये तो नहीं कह सकता कि मतलब बनेगी सरकार, लेकिन ये अच्छा करेगी इस बार। लेकिन ये सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसकी वजह क्या है? अब ये बीजेपी का गढ़ है, शुरुआत से ही यहाँ पे बीजेपी मतलब 100% रही है, लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल होगी बीजेपी के लिए, फाइट रहेगी यहाँ पे इस बार। इस बार फाइट रहेगी एटा सीट पर, ये कह रहे हैं। चाचा जी बताइए क्या माहौल है चुनाव का? हमें कहाँ मालूम है, आप यहीं रहते हैं, चुनाव कहाँ? गंगवारा के। तो माहौल चुनाव का टाइम चल रहा है, कई चुनाव आपने देखे होंगे। साइकिल है। हाँ। क्यों साइकिल? सही है। साइकिल सही है। देखिए और भी यहाँ पे कई लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या माहौल है चुनाव का? ये नरेंद्र मोदी जी। क्या नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा किया? अरे बहुत अच्छा किया है, राम मंदिर किसने सोचा नहीं, राम मंदिर के लिए उन्होंने बनवाया है, राम मंदिर बनवाया है, 370 हटवा दी, बताओ क्या क्या नहीं कराया उन्होंने। यहाँ तो सिर्फ बाबा है बाबा और नरेंद्र मोदी। यहाँ विकास हुआ है? अरे बहुत हुआ है, देखो क्या क्या नहीं हुआ है, सब बढ़िया है यहाँ तो। दुकानदारी अच्छी चल रही है। और क्या मुद्दे हैं इस बार एटा लोकसभा सीट पर अगर हम बात करते हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट करने जाएंगे? अरे हम तो बाबा सिर्फ तो बीजेपी पे वोट डालते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ पे। अच्छा काम किया इसलिए। और क्या माहौल है चुनाव का इस बार? मैम सही है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बाबा की कृपा है, मंदिर वंदिर भी बढ़िया बन चुके हैं, मथुरा में भी काम हो रहा है मंदिर का, मथुरा ही बनना है, बाबा रहे मथुरा का भी मंदिर बन जाएगा। मथुरा मंदिर चाहिए? और हाँ चाहिए बिल्कुल। हाँ। राम मंदिर बनवाया, मथुरा में भी मंदिर बन जाएगा, बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सरकार भी बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को हानि। कौन मजबूत है इस बार? इस बार बीजेपी ही मजबूत है भाई, यहाँ से तो बीजेपी मजबूत है भाई। देखिए एटा सीट की अगर हम बात करते हैं, एटा लोकसभा सीट की, तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 2009 से अगर हम देखते हैं, 2009 में कल्याण सिंह चुनाव जीते थे इस सीट पर, इसीलिए कल्याण सिंह का गढ़ कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, रह चुके हैं। और क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं जिसको लेकर लोग वोट? पता नहीं मुझे। 370 आप कह रहे हैं राम मंदिर? हाँ राम मंदिर बना, मथुरा वाला भी बनेगा, जैसे बाबा ने वो बनवाया वैसे ये भी बनवाया। और इंडिया गठबंधन? और वो तो चलता ही रहेगा, पता नहीं था। जोड़ी अच्छी है अखिलेश यादव राहुल? हाँ सही है, अखिलेश यादव और उनकी भी, अब देखते हैं बाबा के आगे टक्कर ले पाएंगे या नहीं, बाबा के आगे टक्कर ले पाते हैं या नहीं, ये सवाल ये खुद कह रहे हैं। अरे और आप बताइए चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव तो बढ़िया चल रहा है सर, यहाँ पर बीजेपी भी रहेगी यहाँ पर। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? मुद्दों पर कुछ नहीं, केवल मंदिर पर ही है, मंदिर पर।
मंदिर के नाम पर वोट करेंगे जी हाँ। और कोई मुद्दे? और कोई मुद्दे नहीं है, निरे चलते रहते हैं, आप मेहनत करो, कराओ, खाओ अपने। बाकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा कहाँ है? ये तो सब पीछे हैं। पीछे बीजेपी आगे? हाँ बीजेपी आगे। देखिए बीजेपी आगे है, राम मंदिर एक मुद्दा है, मथुरा की बात करें और भी। अरे भैया कहाँ भाग रहे, चुनाव का माहौल है, बताइए क्या माहौल है, मूड क्या है? कोई मूड नहीं हमारा, भैया किसी कोई नोटा बोले, नोटा पे क्यों, नोटा क्यों, नाराजगी है। आप बताइए चुनाव को लेकर क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, फर्स्ट क्लास है एकदम। देवी साक के जीत रहे हैं यहाँ से, कासगंज से। क्या काम लगता है कि किया जाएगा जो सांसद बनकर आएगा, करे आप लोगों के लिए क्या लगता है? बढ़िया काम करेगा देवी साक के, उम्मीद है जो वादा किए उनने, और पहले वाले जो सांसद थे उन्होंने तो कोई विकास का काम नहीं किया। साबरेट का पुल था वो भी नहीं बन पाया, बहुत दिक्कतें आ रही हैं उससे, दो दो घंटे तीन तीन घंटे परेशान रहता है साबरेट के पुल पे। यहाँ लंबे टाइम से बीजेपी है, तो आपको लगता है कि कोई विकास कार्य नहीं किया गया है? केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मुझे तो दिखता नहीं है कोई काम है किया गया है किसी प्रकार का। कहा जा रहा है कि कोई सामने रोड ही नहीं बना हुआ है, आवास वास कॉलोनी में उनका घर है, उसके सामने ही रोड नहीं बना हुआ है। आप भी और हमारी क्या बात करेंगे? कार्य नहीं किया गया ये कहा जा रहा है, ये आरोप है, क्योंकि लंबे टाइम से अगर हम 2009 से बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर रही है, बीजेपी की सांसद यहाँ पर बीजेपी पार्टी से रहे हैं, कोशिश करेंगे और भी बातचीत हो जाए, अगर किसी से कोई बातचीत कर ले। क्या माहौल है भैया चुनाव का? चुनाव क्या है, मोदी लहर है इस समय, और राजवीर सिंह हमारे यहाँ राजू भैया सांसद हैं, आज उनकी रैली है यहाँ कासगंज में, अच्छा उनका रेस्पॉन्स है यहाँ कासगंज। मजबूत है राजू भैया? हाँ मजबूत है, अच्छा है उनका रेस्पॉन्स। क्या क्या काम राजू भैया ने किया है? काम 19 में भी चुनाव जीते थे? हाँ जी 19 में भी जीते थे, और इस बार भी जीतने की उम्मीद है उनकी, और जीतेंगे वही। काम क्या क्या किया है? काम यही समाज में कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, गरीबों को सहायता दिला रहे हैं, यही सब काम है। मोदी सरकार? मोदी सरकार के विपक्ष में हैं ये लोग सब, मोदी सरकार के आदेश से सारे काम करा रहे हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का इस समय थोड़ा सा हमारे क्षेत्र कासगंज में भी टक्कर है, इस समय टक्कर मान रहे हैं बिल्कुल, तो यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर है? यस बिल्कुल टक्कर है इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी। कौन मजबूत? मजबूत की स्थिति तो मोदी लहर से ही है बस, मतलब मोदी जी को देख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी मोदी जी। आप कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? मैं देखिए ये एटा की जनता का मूड है, क्योंकि 7 तारीख को यानी तीसरे फेज में यहाँ पर मतदान होना है, कई मुद्दे हैं, चाहे हम राम मंदिर की बात करें या फिर विकास के मुद्दे की बात करते हैं या फिर हम इससे पहले की सरकारों की बात करते हैं, तो जिक्र यहाँ पर ये भी किया जा रहा है। देखना होगा जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो कौन एटा लोकसभा सीट पर चुनाव जीत कर आता है। फिलहाल जनता के मूड में इतना ही, फिर एक नई लोकसभा सीट पर जाएंगे, वहां जनता क्या सोच रही है वो आपको दिखाएंगे। नमस्कार।